नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं महेंद्र सिंह। एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे कांग्रेस के फायरब्रांड नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों बदले बदले से नजर आ रहे हैं। जी हां, राजनीति में अक्सर ज्योतिरादित्य सिंधिया के तेवर और तल की ही चर्चाओं का विषय रहती है, लेकिन अब इन दिनों लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पॉलिटिकल मैनेजमेंट के माहिर खिलाड़ी बनते नजर आ रहे हैं। यही वजह रही कि मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में जैसे ही सिंधिया का काफिला पहुंचा तो सिंधिया जा पहुंचे उन तमाम नेताओं के घर जो कि अलग अलग कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एयरपोर्ट पर सादगीपूर्ण स्वागत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस एमएलए संजय शुक्ला के घर का रुख किया। संजय शुक्ला के घर को इंदौर में बड़े भैया का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर पुष्प वर्षा की गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत भी किया गया। पूरा का पूरा शुक्ला परिवार सिंधिया के करीबी यहाँ पर बनता दिखाई दिया और तमाम तरह की मुलाकात के बीच राजनीतिक चर्चाएं भी जोरों पर चल पड़ी। किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के नए एमएलए संजय शुक्ला के साथ करीबियां बनाई और कैसे ये मेल मुलाकात लगातार चर्चाओं का विषय बने रही, सबसे पहले देखिए ये खास नजारा। चलिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भी कुछ कहते हैं तो उसके पीछे बड़े राजनीतिक मायने होते हैं और सिंधिया के तर्क ऐसे होते हैं जो कि सीधे कांग्रेस आलाकमान के कानों तक जा पहुंचते हैं। यही वजह रही कि यहां पर मीडिया के कैमरों के समक्ष बोलते हुए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कहा कि वो जनता की आवाज बनेंगे, मालवा और खासतौर पर इंदौर उनका अपना घर है और जनता की आवाज को सरकार के कानों तक यानी कि शासन प्रशासन तक पहुंचाने में सिंधिया कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने जन नेता होने की परिभाषा को भी यहां पर पूरी तरह से परिपूर्ण करने की कोशिशें की। सिंधिया यहां से निकले तो सीधे जा पहुंचे बिचोली, जहां पर पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल और पूरा पटेल परिवार ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। यहां पर कांग्रेस के बाबूजी यानी कि पूर्व मंत्री रामेश्वर पटेल के जन्मदिन का मौका भी पिछले दिनों एक समारोह के तौर पर नजर आया, तो यहां पर जाते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुलदस्ता देकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर पटेल को जन्मदिन की बधाइयां दी। इस वक्त उनके साथ मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट और मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी मौजूद रहे। यहां पर पूरी तरह से कूल नजर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और पारिवारिक मेलजोल के साथ खूब सारी सेल्फियां खिंचाते भी नजर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया। देखिए एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये बदला अंदाज। अरे
चलिए, चूंकि राजनेता हैं इसलिए राजनीति तो करना ही है, और राजनीति की बात से भरा परहेज कैसे कर सकते हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहां पर एक तीर से दो निशाने भी कर दिए। सबसे पहले वो अपने नेता यानी कि अपने कार्यकर्ता और अपने समर्थक कांग्रेस के नेता पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल के घर गए, तो उन्हीं के पड़ोसी यानी कि कांग्रेस के देपालपुर एमएलए विशाल पटेल के घर जाना भी ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं भूले। यहां पर उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के खासम खास कहे जाने वाले विशाल पटेल के घर पर चाय की चुस्कियां भी ली और उनके तमाम परिवारजनों से मेल मुलाकात की। इस दौरान देपालपुर के कई क्षेत्रीय नेता भी सक्रिय नजर आए। किस तरह से विशाल पटेल के घर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सियासी एकता का पैगाम दिया, देखिए ये खास नजारा। चलिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कहा जाता है कि लोग उन्हें महाराज के नाम से पुकारते हैं, लेकिन अब लगता है कि वो अपने महाराज वाली छवि को कहीं पीछे छोड़ देना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मेल और मुलाकात का एक बड़ा मंच भी सजवाया। जी हाँ, ये मंच सजाया गया कांग्रेस के बड़े नेता और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने। इस मंच पर बारी बारी से कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को आना था और ज्योतिरादित्य सिंधिया से मेल मुलाकात करनी थी, लेकिन कांग्रेस में लगता है कि अनुशासन की धज्जियां उड़ना जैसे आम बात हो गई है। यही वजह रही कि इंदौर के रंगून गार्डन में जब लंबी लंबी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कतारें लगी तो सब तमाम नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक झलक पाने को आतुर नजर आए। शायद यही वजह थी कि इस मौके पर धक्का मुक्की भी हुई और कई नेता और कार्यकर्ता धड़ाम भी हो गए। तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं का अनुशासन का पाठ पढ़ाते पढ़ाते थकते नजर आए मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, लेकिन यहां पर चूंकि मसला था सिंधिया से जुड़ा तो तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं का अनुशासन का पाठ पढ़ाने के बाद कतारबद्ध होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलवाया भी गया। इस दौरान कोई औपचारिकता नहीं की गई, बल्कि सिंधिया ने तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ हजारों की संख्या में सेल्फी भी यहाँ पर खिंचवाई। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक और बदला बदला अंदाज। Yeah.
चलिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जब इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया आए तो भला कांग्रेस ही यहां पर कैसे उनके लिए पलक पावड़े ना बिछाए, ये संभव नहीं। यहां पर तमाम कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी बारी बारी से एकजुटता का संदेश दिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगता है कि पीसीसी चीफ की रेस में शामिल हैं। शायद यही वजह है कि वो इस रेस को जीतने के लिए जो जीता वही सिकंदर और सूझबूझ और सामंजस्य की राह पर अब सियासत में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद कहते हैं कि जब भी मैं कुछ कहता हूं तो सच कहता हूं। एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तर इन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।